हेलो एवरीवन, तो आज मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ और ये ब्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट ब्लॉग है, तो आप इस ब्लॉग में मेरे साथ जरूर बने रहना। हेलो गाइस, तो ये इनू भी मेरे साथ है, तो ये हमारा ना एक ट्रिप का ब्लॉग है। तो हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या क्या करने वाले हैं ये देखने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तो आप रेडी हो हमारे साथ चलने के लिए? हाँ, इनायत अभी गाड़ी में मेकअप करेगी, तो चलिए फिर हमारे साथ बने रहिए। तो ये खाना मैंने पैक किया था कि हम ट्रेन में खाएंगे, लेकिन ट्रेन इतनी लेट है ना कि हमें भूख लग गई है। तो ये देखो हम कैसे गाड़ी में शुरू हो गए। बहुत गर्मी है और हमसे गड़बड़ी हो गई कि हमने एसी वाला कोच बुक नहीं किया, लेकिन हम अभी टीसी से बात करते हैं। तो इनू ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। इनू दिखाओ कैसे। तो पहले इनू ने इसमें हवा भरी और अब इनू इसकी हवा अपने ऊपर डाल दिया। मैं बेचा गर्मी में परेशान हो गया, अब एसी वाले डब्बे में बिठाऊंगी। एसी वाला डब्बा थोड़ी ना गाइस, हमने ना हमने जो ट्रेन बुक की थी वो इमरजेंसी में मतलब तुरंत की थी, इसलिए हमें एसी वाला डब्बा नहीं मिला है ना इनू। पर हम टीटी से बात करके ना एसी वाला डब्बा पता करेंगे अगर हमें उसमें सीट मिलती है तो। मैं गर्मी में ये देखो खुश होगी, इसकी ट्रेन आने वाली है। गर्मी में तंग तो हो गए लेकिन ना मजे आ रहे हैं ये सोच के कि कहीं घूमने जा रहे हैं। थक गई क्या चीज में जोड़ना चाहिए स्टेशन पे, और ब्लॉग बनाने के लिए तो हाथ में रखना पड़ेगा। चोरी करवाएगी है? चोरी कराएगी। फोन चोरी नहीं कराना, इसलिए मैं फोन को पर्स में पैक कर रही हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगी जब हम ट्रेन में चढ़ जाएंगे। तो ये ट्रेन अब जा रही है और अब आएगी हमारी ट्रेन। इतनी गंदी हमारी ट्रेन, तो ये हमारी ट्रेन है जो आ चुकी है फाइनली। तो ट्रेन में बैठे नहीं और इनू की भूख शुरू हो गई। क्या खा रहे हो इनू? तो ट्रेन में जो हमारी बुकिंग हुई थी उसमें हमें ये ऊपर वाला बर्थ मिला था, तो ये जो भैया है इन्होंने हमें अपना लोअर बर्थ दे दिया क्योंकि इनू कंफर्टेबल नहीं थी ऊपर बैठने में। और ये पूछ रहे मेरे से कि तू क्या कर रही फोन। तो यहाँ इन्हों का दूसरा पैकेट खुल चुका था जो ये ट्रेन में खाना शुरू हो गई थी। हैंडसम टीसी, ये देखो ये मखाने ना मैंने खुद भून के लाई हूँ, घी में और नमक में। दे दे मुझे भी। मखाने पे झगड़ा। अभी ट्रेन रुकी हुई है तुझे हवा पता कहाँ से? अभी मेरे से अपनी सीट वापस लेने आ गई। आ गए मैं नहीं आ रही वहां, मैं लेट के जाऊंगी, तू बैठ जा वहां। मैं नहीं आऊंगी यार,
मुझे तो बहुत आ रही है नींद, और अभी मैं मम्मा को दिखाती हूँ मम्मा क्या करती है, ये देखो मम्मा, मम्मा और यहाँ पे पापा बैठे हैं। पापा क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा पापा ऊपर वाले फ्लोर। तो अभी एक घंटे का ट्रैवल पूरा भी नहीं हुआ कि हमारे इनके खाने का तीसरा पैकेट खुल चुका है और दोनों हो गए शुरू। बताते हमारे पीछे ट्रेन जा रही है ना, जा रही है हमारे पीछे ट्रेन। अभी टाइम कितना हो रहा है? केक खाऊंगे मैं, केक। 7:30 हो गए और हम पहुंचेंगे 12 बजे रात। बहुत छोटी लग रही है। छुटकू ही मम्मा मेरा बड़ा सा हाथ। डर लग रहा था वापस वहाँ कहीं ट्रेन सच्ची में चल पड़े हमारे ना, मेरी आदत भी नहीं भाग के ट्रेन पकड़ने की। अच्छा अरे इन्होंने इतना अच्छा टॉय लिया था उसके हवा निकल गई, दिखाना मम्मा को दिखाओ। तो अभी हम पहुंच गए हैं फगवाड़ा रेलवे स्टेशन पे और टाइम हो गया अभी 9:30। अब इसके बाद आएगा जालंधर, जालंधर के बाद आएगा ब्यास और ब्यास के बाद आएगा अमृतसर। तो हम नियर बाय 11:30 हम अमृतसर पहुंचेंगे। अब इसको फिर से भूख लगी, पूरे रास्ते खाती गई, अभी बिस्किट मांग रही है उसको, अरे नींद है, मैं इसको सुला देती हूँ, चलो बाय बाय। तो फगवाड़ा स्टेशन पे ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकी और ट्रेन अब चल पड़ी है। और ये इनू मेरी गोदी में है और वो इनू के पापा सो चुके हैं, मतलब अभी 2 मिनट पहले जगे थे, 2 मिनट बाद ही लेटे हैं। तो अभी फगवाड़ा से हम चल पड़े, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी और देखो अब ट्रेन सारी खाली हो चुकी है। ऐसे बोलते कोई आ गया भाई, मेरा डिटेक्टिव मोड ऑन हो गया। देख रहे हो सामने वाला जो बर्थ है इस पे एक बैग नीचे और एक बैग ऊपर है, लेकिन जिनके ये बैग है वो दोनों गायब है। मुझे डाउट हो रहा है वो दोनों या तो वो आगे पीछे होंगे डब्बे में या फिर मैं जाके चेक करूं, भाई कुछ भरोसा नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि इन दो बैगों को छोड़ के वो दोनों कहाँ गायब हो गए। तो बैग वाले भाई साहब आ गए हैं, मैं तो फालतू में ही डर रही थी। तो दोस्तों एक और स्टेशन आ गया और ये है जालंधर। तो फाइनली देखिए आप, हम पहुंच गए हैं जालंधर में। तो अभी हम जालंधर पहुंच गए और टाइम जो है वो है पूरे 10 बजे, तो हम पूरे 10 बजे जालंधर पहुँचे हैं। ये पीछे जालंधर का रेलवे स्टेशन है। तो इन्होंने
भी सो चुके हैं, तो मेरी गोदी में सो रही है और इसके पापा भी सो चुके हैं और मैं मजे ले रही हूँ जालंधर स्टेशन के। आप लोग टाइम देखो, पूरे 10 बज चुके हैं, अभी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जितनी भी खाने पीने की चीज़ें थी वो तो इन दोनों ने ही ख़त्म कर दिया, आपने देखा ही था। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है तो मैं सोच रही हूँ कि टाइम से हम अमृतसर पहुँच जाए और फिर मैं लंगर ही खाना चाहूँगी। बहुत बोर हो रही हूँ तो मैंने सोचा मैं अपनी नेल पेंट ही लगा लेती हूँ। देखो मैंने लगाई नहीं हुई। ब्यास, हाँ यहाँ पे ब्यास लिखा है, मैंने अभी भी पढ़ा, तो ये ब्यास का स्टेशन आ गया। तो अभी ब्यास के बाद अब अगला स्टेशन जो है वो अमृतसर आएगा हमारा स्टेशन। तो बहुत थकने के बाद फाइनली मैं पहुँच गई थी अमृतसर। अब मुझे बहुत शांति फील हो रही है, अभी तो बस मैं स्टेशन पे ही पहुँची हूँ। तो आगे आगे देखते क्या होएगा ये मैं आपको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। तो ये सो के उठ चुके हैं, इन अभी सो रही है और बस अब हम उतरने वाले हैं। ये जो खूबसूरत सी बिल्डिंग है ये है अमृतसर का रेलवे स्टेशन। तो बस अब हम होटल के लिए निकलते हैं और बाय बाय दोस्तों। तो फाइनली हमने होटल में चेक इन कर लिया है ना इनू, और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कितना टाइम हो गया। ये देखो पूरे रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन हम बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं अभी, है ना इनू। सुबह कितने बजे उठना है बताओ? 4 बजे उठना है मॉर्निंग में, अभी 12 बज गए। नहीं, देखो मैंने ट्रेन में नेल पेंट लगा दी, कितनी अच्छी लग रही है देखो। तो अभी हम सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ के गोल्डन टेम्पल के लिए जाएंगे, मतलब 5 बजे तक जाएंगे। 5 बजे बोलते हैं वहाँ शुरू हो जाती है प्रेयर, 6 बजे तक चलते हैं। तो 5 से 6 जाएंगे, वहीं पे लंगर खाएंगे। और अभी हमें बहुत भूख लग रही थी पर हमने ना ORS पी लिया और अब हम बस सोना चाहते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।